सेट किया मैंने, ये सीन है, ये यहाँ ये लैपटॉप है, ये वो मैंने ऊपर लगाए हैं, ये सेकंड वाला मोबाइल वो एक्सपोर्ट करने के लिए चल जा रहा, ठीक है। और यार अब ये वाली साउंड ना ये इसकी है, ठीक है, ये क्लियर थोड़ी आ रही होगी, आप लोगों को पता भी लग रहा होगा कि ये इसकी है, ठीक है। तो मेन मकसद मेरा बात करने का यही है कि मैं आपको ये बताना है कि एक व्लॉग शूट करना और एक किसी प्रोजेक्ट को लेके चलना इजी नहीं है, ठीक है। हम गए थे कोई हाफ मंथ पहले, इधर ब्यूटी बेस था वहादत रोड वाली साइड पर आई थिंक, तो मुझे याद नहीं है। तो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अभी मठा होना है, मतलब सीखने के लिए आते हैं। अभी देख रहे थे जीरो कर अभी। भाई आज कहाँ पे जा रहे हैं? तो इतना आप बता रहे हैं, जा रहे हैं बादत रोड पे बुखारी मार्केट, और अभी हम हैं परवेज लाई के घर के पास, और वो ये है मोर पैलेस के पास, दरिया का मंजर है, ये दरिया देख सकते हैं। मैं सोच ये रहा हूँ कि जब एक वजीरे आला पंजाब के घर के पास इतना पानी होगा, वो कोई काम करने वाला नहीं आ रहा, तो बाकी लोग होगी क्या हालात होगी, आम आम तो डूब गई होगी इस टाइम पर। और एक दफ़ा ना पाक भी उस वाले भी गए थे, क्योंकि उनके वो डिफेंस में रहते हैं। अब मेरा मैं खुद इस चीज़ पर नहीं कहता, ये कपड़ों शपड़ों के मामले में या किसी बंदा अच्छा अपना काम पे जितना फोकस इस चीज़ पे बंदा करता है उतना साफ़ सुथरा होकर बस निकल पड़ो। हाँ साफ़ सुथरा होके अपना काम पे, हाँ काम पे थोड़ा ध्यान दे, वो तो भाई बंदा बाद में भी कर सकता है। वो कहते हैं ना आप कहीं जाओ शादी या कोई ऐसे फंक्शन में जाओ जहाँ पे बंदा भी है, ठीक है, आप तैयार शार होकर जाओ, डैशिंग में इधर जाओ जहाँ पे फ़ायदा भी है, क्योंकि लोगों ने आपको देखना है, तो यहाँ पे किसने देखना है। जो सीन था कि मैं ना कल आई थिंक गया था इधर बहरिया टाउन है था सलोन अर रहमान करके, बहुत अच्छा सलोन है, बहुत कोऑपरेटिव इंसान था वो, और अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। दुनिया में कम ही होते हैं इस तरह के ना इंसान के आपको अच्छे और अच्छे अखलाक वाले मिले हैं। तो खैर देखो, बाकी मैं बाकी आप ना डिफरेंस पता कर लेना कि ये डिफरेंट रिकॉर्ड करके क्या मतलब कि फ़र्क पड़ता है आपको, पहले वाली में भी लगा दूंगा, अभी भी लगा दूंगा, ठीक है। अभी मजा आएगा ना। स्टोरी बॉक्स ऑडियो।